हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएल मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम मिसेलियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, आपको एक फंक्शन है, गिवन है, ये सॉल्यूशन करना है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट, 9.2 में हम पढ़ चुके इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई इक्वल ए ई पावर ऑफ एक्स प्लस बी पावर ऑफ बी ई पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल जीरो। सॉल्यूशन है, स्टूडेंट गिवन फंक्शन इज वाई ए ई पावर ऑफ एक्स बी ई पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि हमारे लिए स्टूडेंट यहाँ राइट हैंड साइड में वाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब स्टूडेंट किसकी वैल्यू की जरूरत है, हमारे लिए डी वाई डी की वैल्यू की जरूरत है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर ए ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस बी माइनस क्यों आया स्टूडेंट ई ई पावर ऑफ माइनस एक्स का ई पावर ऑफ माइनस एक्स बाई चैन रूल से माइनस एक्स का वन, तो माइनस बी ई पावर ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। हेयर टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल पावर कहाँ जाती है आगे, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक कम हो जाती है। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमारे लिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट डब्ल्यू आर टी का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए ई पावर ऑफ एक्स प्लस बी बी ई पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस टू। यार स्टूडेंट ई ए की पावर एक्स का ए की पावर माइनस बी आएगा स्टूडेंट, बट ई पावर ऑफ माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू एक्स टू एक्स का वन। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 आ गए। नाउ एलएचएस, स्टूडेंट ये हमारे पास एलएचएस है, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से हम वैल्यू पुट कर दूँ। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से वैल्यू पुट कीजिए, किसकी वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट, डी वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट। इस तरह हम कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट। नेक्स्ट सॉल्यूशन करने पर फाइनली हमारे पास ये आता है, टू ए ई पावर ऑफ एक्स माइनस टू बी ई पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। स्टूडेंट हेयर ये नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि आरएचएस में जीरो लाना है, बट ये जीरो नहीं आ रहा है, इम्प्लाइज एलएचएस नॉट इक्वल आरएचएस, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग। स्टूडेंट जब तक एलएचएस इक्वल आरएचएस, मतलब एलएचएस इक्वल आरएचएस जीरो आना चाहिए, एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो एल एच एस की वैल्यू आ रही है जबकि आर एच एस जीरो आना चाहिए, तो एल एच एस इक्वल आर एच एस नहीं है। सो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2, हेयर स्टूडेंट इक्वेशन गिवन है वाई इक्वल ई पावर ऑफ एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इस तरह आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन शो करनी है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फंक्शन की है। तो गिवन वाई इक्वल ए पावर ऑफ एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी एक्स बी साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर वाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी एलएचएस में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट डी वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह हम कर देंगे स्टूडेंट, ई पावर ऑफ एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट। हेयर ई की पावर एक्स एज इट इज था, अब क्या है स्टूडेंट सेकंड फंक्शन एज इट इज ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल एज इट इज, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो स्टूडेंट ये फर्स्ट फंक्शन, इसका ये सेकंड, इसका फर्स्ट इस सेकंड। आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 का किया इसी तरह हम कर सकते हैं, तो फाइनली स्टूडेंट हमारे पास डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू एक्स स्क्वायर टू ई पावर ऑफ एक्स ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट एलएचएस हम टेक कर लेते हैं, एलएचएस इक्वल डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई टू डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई। हेयर वैल्यू आप पुट कर दीजिए स्टूडेंट, ऑल वैल्यू पुट करने पर
ई पावर ऑफ एक्स तो कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, और आगे या स्टूडेंट आप टू ई पावर ऑफ एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लेना, इस तरह स्टूडेंट ऑल वैल्यू अंदर कट जाएगी, तो स्टूडेंट फाइनली कितना जाएगा टू ई एक्स प्लस ई एक्स मल्टीप्लाई जीरो इक्वल जीरो आ जाएगा। किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट जीरो आता है, तो स्टूडेंट इक्वल आर एच एस, ये आर एच एस आ गया, तो देयर फोर एल एच एस इक्वल आर एच एस, हेंस द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड का थर्ड, बाई इक्वल एक्स एन एक्स आपको गिवन एक फंक्शन है, इसका आपको शो करना डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई माइनस सिक्स कॉस थ्री एक्स इक्वल जीरो होना चाहिए, इसको वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन है गिवन फंक्शन वाई इक्वल एक्स एन एक्स इक्वेशन नंबर वन, डिफरेंशियल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाई डी एक्स, वो स्टूडेंट एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन, एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस थ्री एक्स, वट थ्री एक्स का बाई चेन रूल से थ्री और आएगा स्टूडेंट, प्लस सेकंड फंक्शन साइन थ्री एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन, तो स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करेंगे डिवाई डी एक्स इक्वल कितना जाएगा थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इक्वेशन नंबर टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप कर लीजिए स्टूडेंट, अगेन थ्री एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, कॉस थ्री एक्स को सेकंड फंक्शन, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल थ्री एक्स एज इट इज कॉस थ्री एक्स का साइन थ्री एक्स और थ्री एक्स का बाई चैन रूल से थ्री, स्टूडेंट हेयर कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स होता है, प्लस कॉस थ्री एक्स एज इट इज कॉस थ्री एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज थ्री एक्स का थ्री, स्टूडेंट साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स का वाई चैन रूल से थ्री और आ जाएगा, हियर स्टूडेंट ये प्लस है प्लस एम्प्लाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो माइनस नाइन एक्स साइन एक्स आ जाएगा प्लस सिक्स, ये ऐड हो जाएगा स्टूडेंट प्लस प्लस के दोनों, तो थ्री कॉस थ्री एक्स तो इधर है, थ्री कॉस थ्री एक्स इधर है, तो सिक्स कॉस थ्री एक्स आ जाएगा। पुट फ्रॉम वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर वन से स्टूडेंट एक्स साइन थ्री एक्स की वैल्यू बाई पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस सिक्स कॉस थ्री एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ ऑल को, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई माइनस सिक्स कॉस थ्री एक्स इक्वल जीरो, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फंक्शन हैंस। तो स्टूडेंट हेयर आपका ये भी मेथड सही है जब आपको सिंपल लगे, नहीं तो आपका पुराना मेथड है ही है, एल एच एस टैग कीजिए, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और बाई की वैल्यू पुट करो और आर एच एस इसमें भी जीरो आ जाएगी, आप खुद करना स्टूडेंट, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। वैसे ये भी मेथड बिल्कुल राइट है, यहाँ टाइम शॉर्ट हो जाता है, अपने पास टाइम बच जाता है इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट, एक्स प्लस टू बाई स्क्वायर लॉग वाई, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल जीरो, हेयर गिवन फंक्शन स्टूडेंट क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इक्वल है स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल वो इक्वेशन नंबर वन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का टू एक्स, स्टूडेंट हेयर टू वाई स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए और लॉग वाई को सेकंड फंक्शन, तो टू वाई स्क्वायर एज इट इज लॉग वाई का वन अपॉन वाई और वाई का बाई चैन रूल से डी वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज स्टूडेंट हेयर टू कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर का टू वाई और वाई का डी वाई डी एक्स बाई चैन रूल, स्टूडेंट फाइनली आ जाएगा टू एक्स इक्वल टू वाई, इधर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो टू वाई डी वाई डी एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई टू फोर वाई लॉग वाई डी वाई डी एक्स, हेयर स्टूडेंट टू एक्स टू वाई डी वाई डी एक्स कॉमन है, टू वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट वन प्लस लॉग वाई बच जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल यह जाएगा स्टूडेंट डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन टू से टू कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट ये डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट वन प्लस टू लॉग वाई आ जाएगा स्टूडेंट। नाउ एल एच एस टेक कर लीजिए, एल एच एस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, हेयर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर वन टू से इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप टू से वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना स्टूडेंट वन से नहीं करनी है, तो हमको वन का यूज नहीं करना है।
टू का यूज करना, डीवाई डी एक्स की हम वैल्यू पुट करते हैं तो स्टूडेंट ये आता है यहाँ पर, हाँ वन की, वन से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, टू वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई, वन प्लस टू लॉग वाई माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर वन से तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, टू से डी वाई डी एक्स की। इस तरह हम यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा, टू लॉग वाई प्लस वन बचेगा, एक्स अपॉन वाई वन प्लस लॉग वाई। स्टूडेंट यहाँ यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टू वाई टू लॉग वाई प्लस वन और वन प्लस टू लॉग वाई एक ही बात है, क्योंकि टू में थ्री ऐड कीजिए या थ्री में टू ऐड कीजिए आएगा फाइव माइनस एक्स वाई। तो ये टर्म स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगी ब्रैकेट वाली, और बाई की एक पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। सो क्या बचा, जीरो। तो जीरो आर एच एस के इक्वल है, ये आर एच एस के इक्वल, देयर फोर एल एच एस इक्वल आर एच, हेंस द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स स्टूडेंट।